जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक काल से रखा जाता है और इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। बता दें कि द्वापर युग में गदाधारी भीम ने भी इस व्रत को रखा था, जिस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल है और विधान है वह बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, इससे यह व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे, हे महाबुद्धिमान पिता, मैं मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत रखते हैं, दान करते हैं, मुझसे भी एकादशी व्रत के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूं यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा, अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीम के ऐसे कहने पर व्यास जी ने कहा, फिर तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप, तप, दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीताम्बर धारण किए हुए होते हैं वह विमान में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने भी बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पिता, मैं अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माशे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 माशे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है।
यदि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हुए पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।